मित्रों, बघेलखंड का पठार प्राकृतिक एवं खनिज संसाधनों से अत्यंत ही समृद्ध है। यहाँ से निकली नदियाँ देश के बड़े हिस्से के जीवन रेखा को सुदृढ़ करती हैं। बघेलखंड पठार के का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर संभाग में भी पड़ता है। पानी होने का तात्पर्य है दूसरे के लिए होना। ऐसा पानी, ऐसा जल सिर्फ द्रव नहीं बल्कि दीप भी कहलाता है। नदियाँ निरुद्देश यात्रा नहीं करती। नदियों का पानी एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जाता है। वो समुद्र तक की जो भी यात्रा करती हैं, अपने गंतव्य में बहुत से परोपकार का कार्य करती हैं। जैसे अपने रास्ता में वह नदियाँ मैदानों का निर्माण करती हैं, निर्मित मैदानों को ऊंचा करती हैं, भूजल का शोधन करती हैं, भूजल का पुनर्भरण करती हैं और अंत में समुद्र में मिल करके समुद्र के खारेपन को भी नियंत्रित करती हैं। नदियाँ सदियों से अपने तटवासियों पर उपकार करती आ रही हैं, लेकिन वर्तमान में विज्ञान के माध्यम से बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। अतः तट से दूर में रह रहे लोगों के लिए भी नदियाँ वरदान साबित हो रही हैं। गीता में श्लोक 70 में अध्याय 2 में कहा गया है, आपूर मानव जल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन तद्वत कामायाम प्रविशन सर्वेश न काम कामी। इस चित्र के पुरुष की तुलना समुद्र से की गई है। जैसे नाना प्रकार की नदियों का जल समुद्र में आकर के मिलता है लेकिन समुद्र विचलित नहीं होता, वैसे ही स्थित पुरुष विभिन्न प्रकार की कामनाओं जो उसके अंदर आती हैं वह उससे विचलित नहीं होता। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ये मैन हु स्ट्राइव्स फॉर दी डिजायर, वो ठीक नहीं है। जो डिस्टर्ब न हो डिजायर से, फ्लो के डिजायर के फ्लो से डिस्टर्ब न हो, स्थित प्रक्रिया कहलाता है। नदी जैविकी का तात्पर्य है कि नदियां अक्षुण रहे, उनका प्रवाह गतिशील बना रहे, जिससे जो पीढ़ियां नदियों से लाभान्वित हमारी हुई हैं पहले की, आगे भी उन्हें लाभान्वित करते रहें, क्योंकि इनका पानी अमृत के समान माना गया है। यह स्थल जहां पर हम लोग हैं यह अमृत धारा का जलप्रपात है। यह हसदेव नदी पर है। हसदेव नदी सीधी और कोरिया की संयुक्त पहाड़ी सोनाथ से निकलती है और यह गंगा प्रवाह तंत्र का हिस्सा न बन करके यह छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी की सहायक नदी के रूप में छत्तीसगढ़ की ओर चल देती है। इस नदी में कोरवा में बहुत बड़ा बांध हसदेव बांगो बांध बनाया गया है, जिससे अधिकांश हिस्से को बिजली दी जाती है और सिंचाई भी होती है। इसीलिए द्रव को दीप भी कहा गया है। नदियों का प्रवाह ऐसे ही बना रहे, कंकर कंकर में संकर की अवधारणा स्थापित होती रहे, नदी जैव की समुन्नत रहे या इको सिस्टम और समृद्ध हो, जिससे नदियां सदैव आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वरदान साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।